साथियों, कांग्रेस ने 2009 में वादा किया था कि सेना के आधुनिकीकरण के लिए हथियार, लड़ाकू विमान, समंदर पर चलने वाले जहाज, समंदर से आसमान तक का सुरक्षा घेरा मजबूत करेंगे। ये उन्होंने वादा किया था, लेकिन हुआ क्या? दशकों से चला आ रहा राफेल विमान का सौदा ठप हो गया। कांग्रेस मलाई खाने की कोशिश करती रह गई। इस दौरान पुराने पड़े विमान, मिग विमान गिरते गए, हमारे बहादुर पायलटों की जानें जाती रही, वायु सेना की ताकत घटती रही। स्थिति ये थी कि सेना के पास आधुनिक तोप नहीं थी। आप हैरान हो जाओगे, 85 के बाद सेना में आधुनिक नई तोप नहीं आई है। इतना बड़ा देश, ये कैसे लड़ेंगे? क्या सेना के जवान दुश्मन आएगा तो तकलीफ आतेंगे क्या? पर्याप्त गोला बारूद नहीं था, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं था, पर्याप्त नाइट विजन डिवाइस नहीं थे, और यहां तक कि आधुनिक राइफलें तक नहीं थी। आप पिछली सरकार में लाखों करोड़ों के दूसरे घोटालों के साथ कांग्रेस ने एक और घोटाला किया, हेलीकॉप्टर घोटाला। और अब तो ये घोटाले के एक राजदार मिशेल मामा को पकड़ करके मैं लाया हूं। मिशेल मामा के साथ मिलकर कांग्रेस ने ईमानदार कर देता हूं कि कमाई को लूट ली। साथियों, 2014 में आपने एक मजबूत सरकार को अवसर दिया। सरकार में आते ही हमने सेना की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान दिया। हमारी सरकार ने दशकों बाद सेना को आधुनिक तोप दी। हमने कांग्रेस के सारे दलालों को दूर भागते हुए राफेल लड़ाकू विमान के लिए सीधे फ्रांस सरकार से सौदा किया। ये जहाज कुछ महीनों में ही भारत के आसमान में उड़ना शुरू करेगा। जिस तेजस विमान को कांग्रेस ने बेसहारा छोड़ दिया था, उसे बनाने की प्रक्रिया को हमने नए सिरे से तेज किया। अब दुनिया की सबसे आधुनिक राइफल का निर्माण भारत में हो रहा है। दोस्तों, जिस बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए कांग्रेस ने बरसों तक हमारे सैनिकों को तरसाया था, वो बुलेट प्रूफ जैकेट अब भारत में ही बनाकर सैनिकों को दी जा रही है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार के दौरान ही भारत दुनिया की शक्तियों में शामिल हुआ जिनके पास जल, थल, नभ तीनों जगह से न्यूक्लियर हमला करने की ताकत है। साथियों, हाल में तो एक बहुत बड़ा काम किया गया। अंतरिक्ष में भी, स्पेस में भी हमारे संसाधनों को बचाने की क्षमता हमने हासिल की है। अब स्पेस में भी हमारी मिसाइलें दुश्मनियों की साजिशों को नाकाम कर सकती हैं। आपने देखा होगा, अभी कुछ ही दिन पहले जमीन पर से मिसाइल निकली, अंतरिक्ष में 3 मिनट में जाकर के अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराया, और हम दुनिया के चौथे देश बन गए इस सिद्धि प्राप्त करने वाले। ये अंतर होता है राष्ट्रवाद से ओतप्रोत एक मजबूत सरकार में और वंशवाद से प्रेरित एक मजबूर और कमजोर सरकार में।